क्या यहाँ पे भारत ये मुकाबला जीत पाएगा। दोस्तों यहां से सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ओवर की दूसरी गेंद सामने, फिर से एक बार हार्दिक पांड्या, 41 रन पे पहुंच गए हार्दिक पांड्या। और ये लीजिए बड़ा शॉट हार्दिक के बल्ले से इस बार, और फिर से एक बार गेंद को भेज दिया दर्शक दीर्घा में। कमाल की बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या की, और बिल्कुल ऐसी ही बल्लेबाजी करनी चाहिए आज के मुकाबले में हार्दिक पांड्या को। और रविंद्र जाडेजा भी आज के मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर। और अब दोस्तों ये मुकाबला बड़ा रोमांचक हो चुका है आज के दिन में। पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, T20 की सीरीज से पहले दोस्तों आज पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है यहां पर। और जय सूर्या गेंदबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। आखिरी की 46 गेंदें बची है, आखिरी की 46 गेंदों पे 266 रन चाहिए इस मुकाबले में भारत को जीतने के लिए। लेकिन ये शॉट देखिए आप, कमाल का ये छक्का दोस्तों हार्दिक पांड्या के बल्ले से। और बिल्कुल ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी आज के मुकाबले में अगर जीतना है तो। यहां पे देखिए ये बिल्कुल शॉट सीधा यहां पर, और दर्शक दीर्घा में पहुंचा दिया इस गेंद को। चलिए आज बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चुकी दोस्तों, वनडे मुकाबला यहां पर। एक बार फिर से सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं, आप सभी को बता दूंगी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लिए। चलिए गेंदबाज तैयार, 266 रन चाहिए, 46 गेंदें बची है। तैयार हार्दिक पांड्या फिर से एक बार कैच का कॉल, लेकिन कैच नहीं होगी दोस्तों यहां पर। और ये गेंद भी दर्शक दीर्घा में चली गई, और 50 रन पूरे हार्दिक पांड्या के बल्ले से दोस्तों यहां पर। कमाल की बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर भारत के युवा खिलाड़ी के द्वारा। और 45 गेंदों पे अब दोस्तों 260 रन चाहिए जीतने के लिए इस मुकाबले में। क्या ये मुकाबला भारत की टीम दोस्तों यहां से जीत पाएगी। एक तरफ रविंद्र जाडेजा, दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या, बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिल रहा है दोस्तों यहां पर। 4 विकेट जरूर से गिर चुकी है दोस्तों यहां पर भारत की टीम की, लेकिन यहां से मुकाबले को जीतना है तो यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। 45 गेंदें बची है दोस्तों यहां से, 260 रन चाहिए। चलिए तैयार फिर से एक बार हार्दिक पांड्या, 36 गेंदों में 53 रन में पहुंच चुके हैं। ये लीजिए बड़ा प्रहार, फिर से एक बार गेंद हवा में, हार्दिक ने इस गेंद को भी दर्शक दीर्घा में डाल दिया है। कमाल की शुरुआत हार्दिक पांड्या के द्वारा यहां पर। और अब दोस्तों यहां से इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी यहां पर। क्या ये मुकाबला बड़ा रोमांचक होने वाले दोस्तों यहां पर। आखिरी की कुछ ही गेंदें बची है, आज पहला वनडे मुकाबला दोस्तों खेला जा रहा है भारत बनाम श्रीलंका के बीच में। बिल्कुल हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़े उन सभी का स्वागत है, प्रदीप कुमार आपका भी स्वागत करते हैं। आखिरी की 44 गेंदें बची है, 254 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। क्या यहां पे दोस्तों ये मुकाबला भारत की टीम जीत पाएगी यहां से। चलिए हार्दिक पांड्या जो है 37 गेंदों का सामना किया, 59 रन पे पहुंच चुके आज के मुकाबले में। लेकिन दोस्तों ये देखिए शॉट को देखिए हार्दिक पांड्या के बल्ले से, कमाल का ये शॉट, गेंद हवा में बहुत सही थी, और इसी के साथ बेहतरीन छक्का दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से। और अब दोस्तों ये मुकाबला बड़ा रोमांचक होता हुआ यहां पर, पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में। चलिए तैयार गेंदबाज, 44 गेंदें बचिए, 254 रन चाहिए दोस्तों यहां पर जीतने के लिए इस मुकाबले में। क्या यहां से दोस्तों ये मैच भारत की टीम जीत पाएगी, पहला ओडीआई मुकाबला। चलिए 44 गेंदें बचिए, 254 रन चाहिए, हार्दिक पांड्या कमाल कर सकते। चलिए एक बार फिर से हवा में गेंद सामने की तरफ, और ये लीजिए एक और छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से। और अब दोस्तों हार्दिक पांड्या को इसी अंदाज में बल्लेबाजी करना होगा, क्योंकि दोस्तों अब यहां पर मैच रोमांचक हो चुका है। पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, बेहतरीन मैच आज, कमाल का ये मुकाबला खेला जा रहा है। और आज भारत की टीम इस मुकाबले में
क्या यहां से वापसी कर पाएगी, बहुत मुश्किल नजर आ रहा लेकिन नामुमकिन नहीं है। दोनों ही बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर मौजूद हैं, एक तरफ रविंद्र जाडेजा दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या। यहां से 248 रन चाहिए, 43 गेंदे बची है दोस्तों यहां पर इस मुकाबले में। गेंदे बहुत कम है लेकिन रन बहुत ज्यादा इस मुकाबले में चाहिए यहां पर जीतने के लिए। क्या यहां पे ये मुकाबला जीत पाएगी भारत की टीम? लेकिन आप सभी दर्शकों को बता दूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हार्दिक पांड्या ने किस तरह से यहां पे छक्का लगाया है, सीधा शॉट सामने की तरफ, बिल्कुल बल्ले के बीच में लगी थी गेंद। और इसी के साथ एक और 6 रन दोस्तों यहां पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से। चलिए अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों यहां पर युवा खिलाड़ी के द्वारा। और 248 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए, हाथ से 43 गेंदे बची है। चलिए सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली गेंद हार्दिक पांड्या 65 रन में बल्लेबाजी कर रहे, 36 गेंदों का सामना किया है। जय सूर्या की अगली गेंद, एक बार फिर से कैच का कॉल, गेंद हवा में फिर से एक बार, लेकिन गेंद दर्शकों के बीच में जाकर गिरने वाली है इस मुकाबले में, क्योंकि हार्दिक पांड्या जब शॉट खेलते तो गेंद बहुत दूर जाती है दोस्तों यहां पर। कमाल की बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या की और गेंद सीधी दर्शकों के बीच में चली गई यहां पर। आज 71 रनों की पारी खेली हार्दिक पांड्या ने, 39 गेंदों का सामना किया आज के मुकाबले में। बिल्कुल आप सभी दर्शकों का स्वागत है, प्रदीप कुमार आपका भी स्वागत है। ये शॉट देखिए हार्दिक के बल्ले से ये बड़े बड़े शॉट नजर आए आज के मुकाबले में। चलिए अब दोस्तों यहां से मैच रोमांचक हो चुका है, आखिरी की 42 गेंदे बची है, 242 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। क्या यहां पे ये मुकाबला भारत की टीम जीत पाएगी दोस्तों? यहां से वनडे मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में। चलिए अगली गेंद, स्ट्राइक पर मौजूद रविंद्र जाडेजा फिर से एक बार, क्या कमाल का शॉट खेलेंगे यहां पर जाडेजा के सामने, कैच का कॉल, गेंद हवा में फिर से एक बार, क्या यहां पे छक्का लगेगा? बिल्कुल ये भी गेंद दर्शक दीर्घा में चली गई है, बेहतरीन शॉट रविंद्र जाडेजा के द्वारा दोस्तों यहां पर। और आज के मुकाबले में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ हार्दिक पांड्या दूसरी तरफ रविंद्र जाडेजा दोस्तों यहां पर। और दोनों ही बल्लेबाजों को आज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि दोस्तों यहां से मैच को जीतना है तो इसी अंदाज में छक्के लगाने पड़ेंगे। चलिए सभी दर्शकों को रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लोग, मात्र 2000 लाइक का टारगेट और 41 गेंदों पे 236 रन चाहिए। चलिए जाडेजा स्ट्राइक पर मौजूद, 3 गेंदों पे 16 रन पे पहुंच गए। एक बार फिर से वेलेंस्की गेंद, फिर से एक बार कैच का कॉल, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आएगी दोस्तों यहां पर। इस बार भी 6 रन मिल जाएंगे दोस्तों यहां पर रविंद्र जाडेजा को इस मुकाबले में। और अब दोस्तों ये मुकाबला बिल्कुल रोमांच की ओर बढ़ता हुआ यहां पे, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी चल रही है यहां पे दोनों ही बल्लेबाजों की, क्या यहां पे ये मैच रोमांचक और देखने को मिल रहा है दोस्तों यहां पे। 40 गेंदे 230 रन चाहिए यहां पर, विलेश की गेंद, ये गेंद अच्छी है, थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद। यहां पर बलदेव सिंह आपका भी स्वागत करते हैं इस बड़े मुकाबले में। 39 गेंदे बची है, 230 रन चाहिए भारत को जीतने के लिए। जाडेजा तैयार, एक बार फिर से बल्ले के बीच में कैच का कॉल, फील्डर के ऊपर से 6 रन। जाडेजा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों यहां पर, और गेंदबाज के सामने लगातार अच्छी बल्लेबाजी दोस्तों यहां पे। और अब दोस्तों क्या रविंद्र जाडेजा इस मुकाबले को जीता पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आखिरी की क्षणों में चला जा रहा है दोस्तों ये मुकाबला। 38 गेंदे बची है, 224 रन चाहिए। जाडेजा स्ट्राइक पर मौजूद, फिर से एक बार कैच का कॉल, गेंद हवा में, लेकिन इस बार भी
छह रन मिल जाएंगे दोस्तों इस मुकाबले में। 134 मीटर का यह छक्का दोस्तों यहां पर। लेकिन आज पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, चलिए ये बड़ा मुकाबला दोस्तों यहां से खेला जा रहा है। लेकिन आप सभी दर्शकों को बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 218 रन चाहिए दोस्तों, 37 गेंदे बची है। वेलोंस की गेंद, फिर से एक बार हवा में शॉट, गेंद ऊपर है और इसी के साथ झाड़ी जाने इस गेंद को भी दर्शक दीर्घा में डाल दिया है। कमाल की बल्लेबाजी और दूसरे गेंदबाज धनंजय डी सिल्वा आए हैं गेंदबाजी में। क्या यहां पे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, 36 गेंदे बची है और आखिरी की 36 गेंदों पे भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। यहां से दोस्तों यहां पर 212 रन चाहिए। क्या यहां पे हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा ये मुकाबला जीता पाएंगे दोस्तों। यहां से पहला वनडे मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, लेकिन ये छक्का देखिए बिल्कुल बड़ा शॉट दोस्तों यहां पर, और इसी के साथ गेंद स्टेडियम के अंदर जाकर गिरी है दोस्तों यहां पर देखिए। चलिए यहां से 36 गेंदे बची है दोस्तों इस मुकाबले में। 212 रन चाहिए, हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद। 39 गेंदे 71 रन हार्दिक पांड्या के बल्ले से, फिर से एक बार हवाई फायर कैच का कॉल, लेकिन कैच नहीं होगी। ये 6 रन है दोस्तों यहां पर। 112 मीटर का छक्का यहां पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से और धनंजय डी सिल्वा की ओर में कमाल की बल्लेबाजी चल रही है दोस्तों हार्दिक पांड्या की। और आगे देखना है कि किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे आज के मुकाबले में। मैच अभी दोस्तों रोमांच की ओर बढ़ता हुआ, सभी लोग लाइक कर दीजिए। बड़ा मुकाबला भारत बनाम श्रीलंका के बीच में, 35 गेंदों पर 206 रन चाहिए। ये रिवर्स स्लीप, बिल्कुल अच्छी रिवर्स स्लीप, वहां पर कोई फील्डर नहीं, गैप निकाला दोस्तों यहां पर बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने और कमाल का शॉट। अब दोस्तों ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, वनडे मुकाबला खेला जा रहा है और आखिरी की कुछ ही क्षण और कुछ ही गेंदे बचे दोस्तों इस मुकाबले में, जो भारत को जीत हासिल करवा सकती है। ये रिवर्स स्लिप देखिए आप इस मुकाबले में, हार्दिक पांड्या ने कमाल का शॉट खेला यहां पर और रिवर स्लिप में बिल्कुल चौका बटर हार्दिक पांड्या। फील्डर की कोशिश जरूर से, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आएगी। चलिए 34 गेंदे बचे दोस्तों आखिरी की, 202 रन चाहिए इस मुकाबले में। क्या यह मुकाबला भारत की टीम दोस्तों यहां से जीत पाएगी, पहला वनडे मुकाबला 22 जुलाई 2024 के दिन। आज इस बड़े मुकाबले में भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद है और विराट कोहली भी मौजूद है इस मुकाबले में। चलिए 34 गेंदे 202 रन चाहिए यहां पर। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर और ये लीजिए हवा में शॉट, गेंद ऊपर, दर्शक नीचे दोस्तों यहां पर और इसी के साथ 6 रन। पहले वनडे मुकाबले में आज कमाल की बल्लेबाजी चल रही हार्दिक पांड्या की और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है ये कमाल का मुकाबला हो चुका है। आप सभी दर्शकों को बता दूं कि लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मात्र 2000 लाइक का टारगेट यहां से। 33 गेंदे आखिरी की, 33 गेंदों पे 196 रन चाहिए दोस्तों भारत को जीतने के लिए इस मुकाबले में। लेकिन आप सभी दर्शकों को बता दूं कि आज के मुकाबले में क्या भारत की टीम यह मुकाबला जीत पाएगी दोस्तों यहां से। चलिए कमाल का यह